हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग गाइस। आज फिर से आप सभी का स्वागत है मेरा इस नए वीडियो में। गाइस, मैं आज आप लोगों के लिए स्लीव्स में कैसे पिकअप बनाया जाता है और उसको यानी कि कितना बड़ा बनाया जाता है वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। देखिए दोस्तों, मैंने काम स्टार्ट कर चुका हूँ। गाइस, पहले ऐसे ड्राइंग कर लेना, मार्किंग चौक लेके ड्राइंग करने के बाद काम स्टार्ट करना। देखिए जैसे मैं काम कर रहा हूँ ऐसा आप लोग भी कर लेना। ड्राइंग करने के बाद वैसे जरी में ऐसा आउटलाइन ले लेना। दोस्तों ये देखिए, मैंने ये पिकअप ड्राइंग किया हूँ, ये ज़्यादा नहीं है, 4 से 5 इंच का अंदर होगा, क्योंकि ये 10 इंच का स्लीज है, वही हिसाब से 5 इंच का मैं पिकअप बना रहा हूँ। दोस्तों ये देखिए, मैंने ये जरी में ऐसा लाइन दे रहा हूँ। अब देने के बाद क्या करूँगा वो आप लोगों को मैं खुद करके दिखाऊँगा। आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। और गाइस, जो लोग हमारे चैनल पर नए हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ वो लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, और अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। देखिए दोस्तों, मैंने एकदम मस्त पिकअप बनाऊँगा, एकदम सिंपल तरीका बताऊँगा आप लोगों को। दोस्तों ये देखिए, मैंने जरी में ऐसा लाइन दे दिया हूँ, पहले आउटलाइन ले लिया हूँ। लेने के बाद अब इसका मैं वोट बनाने जा रहा हूँ। ये देखिए, ये वोट बना चुका हूँ। दोस्तों वीडियो को, हमारे वीडियो को पूरा वॉच कीजिए, तभी आप लोगों को समझ में आएगा मेरा इस डिज़ाइन। इसलिए बोलता हूँ दोस्तों, हमारे वीडियो हमेशा पूरा देखा कीजिए, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। दोस्तों मैंने जरी में ऐसे बना लिया हूँ। अब बनाने के बाद क्या काम करूँगा वो मैं खुद मैं लाइव बना के दिखाऊँगा। आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, आप वीडियो को अच्छे से देख लीजिए, बात को समझ लीजिए। जो मैं बोल रहा हूँ ऐसे में आप लोग हमारा बात को जो मैं बोल रहा हूँ वो समझ लीजिए। देखिए दोस्तों, मैंने ये स्टोन चेन लगा रहा हूँ, ये स्टोन चेन कर दिया, ऐसा करता है, ऐसी बात नहीं, थोड़ा सा नहीं तो एक पॉइंट और काट लेना, काटने के बाद उसको ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करना भी बड़ी बात नहीं है। ये देखिए दोस्तों, मैं कैसे ज्वाइन कर रहा हूँ वैसे आप लोग भी ज्वाइन कर लीजिएगा। गाइस ये देखिए, मैंने ये स्टोन चेन खाली इस जगह पे लगाना, बाकी कहीं ये स्टोन चेन लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सिंपल वर्क है, ये सिंपल पिकअप है, ज़्यादा ग्रैंड बनाने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों ये देखिए, मैंने ये स्टोन चेन लगा लिया हूँ। अब मैं धागा लगाऊंगा और धागे में क्या क्या काम करूँगा वो भी आप लोगों को दिखाऊँगा। आप लोग वीडियो में पूरा देखिए। दोस्तों मैंने धागा लगा लिया हूँ। धागा लगाने के बाद ये देखिए, इधर ऐसे स्टोन का घर 3 दे देना, फिर थोड़ा सा हल्का सा ब्रेक लेना पतला, अब इसमें कुंडल लगा लेना। और दोस्तों देखिए, ये मैंने इसको फिलअप कर दूंगा, ऐसे फिलअप कर लेना, पूरा भर लेना। दोस्तों हमारा वीडियो को पूरा देख लीजिए, तभी आप लोगों को ये पिकअप A to Z बना कैसे मैं बनाया हूँ A to Z बता भी दूंगा, और A to Z मैं आप लोगों को खुद करके दिखा दूंगा। देखिए दोस्तों, मैंने ये फिलअप कर लिया हूँ साड़ी के कलर में। अब साड़ी के कलर में क्या क्या काम करूँगा वो भी आप लोगों को दिखाऊंगा। इसके बाद सिल्क कलर भी लगाऊंगा। दोस्तों देखिए, ये साड़ी के कलर है, ये साड़ी के कलर में मैं ऐसा बना दे रहा हूँ। ये पिकअप मैं इसके पहले भी आप लोगों को दिखाया हूँ, लेकिन वो बैक साइड का दिखाया हूँ, ये मैं स्लीव्स का दिखा रहा हूँ। स्लीव्स में कैसे पिकअप बनाया जाता है, यानी कि नॉर्मल पिकअप कैसे बनाया जाता है, ज़्यादा ग्रैंड नहीं। देखिए दोस्तों, मैंने ये वैसा कर रहा हूँ, ऐसा आप लोग भी कर लीजिएगा। ये देखिए गाइस, मैंने ये साड़ी के कलर में ऐसा कर रहा हूँ, ऐसा आप लोग भी कर लीजिए। इसके बाद क्या काम करना है वो भी आप लोगों को मैं दिखाऊंगा। दोस्तों देखिए, ये कितना मस्त लग रहा है, ऐसे ही मस्त लगेगा, ये फुल कंप्लीट होने के बाद और भी अच्छा लगेगा। आप लोग वीडियो को पूरा देखिए, आप पूरा लास्ट तक देखिए कि मैं फुल कंप्लीट कैसे करूँगा वो दिखाऊँगा आप लोगों को। एकदम सिंपल तरीका है गाइस, और आप लोगों को समझने में भी बहुत आसान हो जाएगा। और मैं हमेशा आप लोगों को एकदम समझाता भी हूँ कि ये डिज़ाइन कैसे बनाया जाता है, पिकअप का डिज़ाइन कैसे बनाया जाता है,
यार एक्सलूज में कैसे कैसे काम किया जाता है। दोस्तों देखिए, ये मैंने सेल पर ले लिया, ये पिंक कलर है, यानी कि ब्लाउज का कलर है। पहले मैंने साड़ी का कलर यूज़ किया, बाद में मैंने ब्लाउज का कलर यूज़ कर रहा हूँ। दोस्तों ये देखिए कितना मस्त लग रहा है, ऐसे पिकअप स्लीव में बनाया जाता है, सिंपल पिकअप। गाइस देखिए, ये मैंने ब्लाउज का कलर लगा रहा हूँ, यानी कि सिल्क कलर। ब्लाउज का कलर मतलब पिंक कलर मैं यूज़ कर रहा हूँ। पहले मैंने साड़ी का कलर यूज़ किया, बाद में मैंने ब्लाउज का कलर यूज़ कर रहा हूँ। गाइस देखिए, मैंने सेम कलर यूज़ कर चुका हूँ, यानी कि ब्लाउज का कलर यूज़ कर चुका हूँ। अब दोस्तों मैं दिखाऊंगा लास्ट फिनिशिंग, यानी कि ये काम लास्ट फिनिशिंग है। आप लोग देख लीजिए, देखिए दोस्तों ये जरी फिर से मैंने लगा लिया हूँ। जरी में कैसे काम करूँगा वो आप लोगों को दिखाऊँगा। पहले इसका आउटलाइन दे देना, डबल आउटलाइन। ये देखिए मैंने ऐसे जरी में डबल आउटलाइन दे रहा हूँ। हेलो गाइस, देखिए मैंने ये डबल आउटलाइन दे दिया हूँ। अब ऐसे आप लोग भी डबल आउटलाइन दे देना ऐसे। अब उसके बाद जो गैप गैप रहेगा, वो गैप में थोड़ा सा थोड़ा पानी का जैसा भर देना, जैसे पानी हम लोग करते वैसे भर देना। जो जो गैप है वहाँ थोड़ा भर देना। भरने के बाद देखिए दोस्तों, मैंने ये भर चुका हूँ, पूरा फिलअप कर दिया हूँ। अब देखिए इधर ये ऐसे कर देना, ये जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे आप लोग भी कर लेना। वैसे ही बनाने के बाद देखिए कितना मस्त लग रहा है। ये स्लीव में ऐसे पिकअप बनाया जाता है। अब मैं ऐसे बनाता हूँ, आप लोग अगर ऐसे बनाना है तो आप लोग भी ऐसे बना सकते हो। गाइस देखिए कितना मस्त लग रहा है। वैसे ही वीडियो मैं आप लोगों के लिए रोज़ लेकर आता हूँ। आज इतना ही है, और गाइस फिर कल मिलेंगे एक नए वीडियो में, एक नया डिजाइन के साथ। दोस्तों जो लोगों को अच्छा लगे वो लाइक कर दीजिए मेरा वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू, बाय।